नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस में। जो हमने टेस्ट सीरीज शुरू की थी उसमें ये हमारा सेकंड टेस्ट है। तो देखते हैं, आधुनिक भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित है। पहला टेस्ट में हमने जो क्वेश्चन क्लियर किए हैं, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लें। और आप लोगों के जैसे जैसे कमेंट मिल रहे हैं, अच्छा लग रहा है उन चीज़ों को, तो मैं इस चीज़ को जारी रखूँगा और इसी के माध्यम से हम पूरे टॉपिकों को कवर करेंगे और आपके क्वेश्चंस भी हो जाएंगे और व्याख्या सहित वो आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा और आपका टॉपिक एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो आप अच्छे से वीडियो को देखिए और उसकी व्याख्या को अच्छे से सुनिएगा, ठीक है ना। तो मुझे ज़्यादा ऐसे नहीं है कि इतने व्यूअर चाहिए या वो सारी चीज़ें, मुझे 100 लोग चाहिए स्टूडेंट जिनका इस बार पीटी होना चाहिए, जो प्रीलिम होने वाला है। तो 100 में से आप कौन कौन है वो आप खुद डिसाइड करिए, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरा टेस्ट। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे शॉर्ट में EIC लिखा है मैंने, इसी यही बोला जाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत पर किसका शासन था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो पूरी व्याख्या इसकी करेंगे। तो देखिए, उस समय अकबर का शासनकाल था। ये और बता दें, भारत जब ये कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी तो 1600 ईस्वी में बनी थी। उस समय ब्रिटेन पर राज करती थी महारानी एलिजाबेथ प्रथम। इन्होंने एक चार्टर के माध्यम से इस कंपनी को 15 साल का एकाधिकार दिया था पूरब के देशों के साथ व्यापार करने के लिए। तो 1600 ईस्वी में ये बनी थी। और ये एक और इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए कि ये ट्यूडर वंश से संबंधित थी। अगर आप विश्व इतिहास पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि ट्यूडर वंश 1485 से लेकर 1603 ईस्वी तक रहा था। उसके बाद आ जाता है स्टुअर्ट वंश। कौन सा? स्टुअर्ट काल आ जाता है, स्टुअर्ट वंश आ जाता है, ठीक है ना। तो इसका शासन होता है, लेकिन ये कंपनी की स्थापना के समय इसका शासन था तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम का। इन्होंने ही चार्टर जारी किया था कंपनी को, तो इन्हीं के समय ये बनी थी। इन्होंने 15 साल का इसे एकाधिकार दिया था कंपनी को। तो चलिए आगे देखते हैं हम, आगे इसमें क्या है। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसमें सही सुमेलित करना है। ये जो फोर्ट थे, जो इनकी फैक्ट्रियां स्थापित हुई थी, उनको मिलान करना है कि ये फैक्ट्री के नाम है और किस किस जगह पे स्थापित थी। तो देखिए, फोर्ट गुस्ताव, फोर्ट सेंट जॉर्ज और फोर्ट लुई और फोर्ट विलियम। तो आप मिलाएंगे तो फोर्ट विलियम जो फैक्ट्री थी वो अंग्रेज़ों के द्वारा स्थापित की गई थी, कहाँ पर? कलकत्ता में। तो देखिए, सीधा फोर्थ का ए हो रहा है। तो किस किस में फोर्थ का ए वो देख लीजिए, तो आपके ऑप्शन निकल के आ जाएंगे। फोर्थ का ए इसमें भी है और इसमें भी है, यानी ये दो गलत हो गए, ठीक है ना। अब देखिए, फोर्ट गुस्ताव ये आपका चिनसुरा में स्थापित फैक्ट्री थी। कहाँ पे? चिनसुरा में। तो फर्स्ट का बी। तो किस में फर्स्ट का बी? तो ये पहले ऑप्शन में, तो पहला करेक्ट हो गया इन्हीं दो से। और जान लीजिए, ये फोर्ट सेंट जॉर्ज ये आपका मद्रास में स्थापित की गई थी कंपनी 1639 ईस्वी में, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। और फोर्ट लुई पौंडचेरी में स्थापित फैक्ट्री थी। तो ये नाम हो गए, अभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी। तो दोस्तों, इसकी पहले व्याख्या देख लेते हैं, तो आप खुद ही डिसाइड करेंगे। जब भारत में अंग्रेज आए थे तो व्यापारियों के तौर पे अंग्रेज भारत में आए थे, तो इन्होंने क्या किया कि उस समय जहांगीर का शासनकाल था, तो जहांगीर के समय ये लोग आए थे सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने के लिए 1611 ईस्वी में। लेकिन वहाँ पर पुर्तगालियों के द्वारा इसे विरोध के कारण इन्हें अनुमति नहीं मिल पाई फैक्ट्री स्थापित करने की। तो इनकी पहली फैक्ट्री 1613 ईस्वी में कहाँ पे हुई स्थापित? मसूली पट्टनम में। और सूरत में इन्हें अनुमति मिली 1613 में मिली इन्हें अनुमति, 1611 में यहाँ पे स्थापित हुई थी। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखिए सूरत में 1608 में ये आया था दल, 1608 में दल आया था सूरत में, लेकिन रिजेक्ट कर दिया गया, अनुमति नहीं मिली। और 1611 ईस्वी में मसूली पट्टनम में स्थापित हो जाती है, 1611 में, और सूरत में 1613 में स्थापित होती है। तो पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित होगी?
तो मसूलीपट्टनम में, अगर ऑप्शन में मसूलीपट्टनम नहीं है तो आप क्या लगाएंगे, सूरत, ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में और बता देते हैं कि 1608 में जब ये आए थे तो उस समय जेम्स प्रथम शासन करते थे ब्रिटेन पर। तो जेम्स प्रथम के एक दूत बन के आए थे विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में, सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने के लिए आए थे, लेकिन पुर्तगालियों के कारण विरोध हुआ और इन्हें अनुमति नहीं मिली। लेकिन 1613 ईस्वी में इन्हें अनुमति मिलती है, तब जाके ये सूरत में फैक्ट्री स्थापित करते हैं। तो मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में देखा जाए तकनीकी रूप से, तो इन्होंने वहाँ पे फैक्ट्री स्थापित की, जो मसूलीपट्टनम गोलकुंडा में पड़ता है। गोलकुंडा उस समय राज्य हुआ करता था आंध्र प्रदेश में, आजकल ये है ना, तो ये वहाँ पे स्थापित हुई थी। अगर दक्षिण भारत में देखा जाए तो पहली फैक्ट्री कहाँ पे थी, तो ये पहली फैक्ट्री दक्षिण भारत की भी मसूली पट्टनम में ही है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है कंपनियों के नाम को सही आपको देशों से मिलाना है। अब देखिए ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि किस किस देश की कंपनी का क्या नाम था, तो ये चारों ही हैं और चारों ही पूछ लिए जाते हैं, तो आपको एक ही क्वेश्चन में सारे मिल जाएंगे और मिलान करना है इसमें। पहला है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़, दूसरी है बैरी निगदे कोस्ट इंडिगो, तीसरी है एस्तादो द इंडिया, और चौथी है कंपनी द इंडे ओरिएंटलिस, ठीक है। तो इनको मिलाना है। अब देखिए यहाँ तो पहले में लंदन आ रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि ये ब्रिटेन की कंपनी है, इसे ईस्ट इंडिया कंपनी भी बोला जाता था। थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए, नाम को लेके अक्सर कन्फ्यूज़न रहता है। तो जब ये कंपनी बनी थी तो इसका मूल नाम यही था जो इसमें दिया है, गवर्नर एंड कंपनी दैट्स, और ये पूरा यही नाम था। लेकिन बाद में क्या हुआ, अब बाद में और भी कंपनियां बनती हैं व्यापार करने के लिए जो ईस्ट के साथ में, पूरब के देशों के साथ में। जैसे न्यू कंपनी बनी 1688 ईस्वी में, और 1698 ईस्वी में जाके देखते हैं तो एक कंपनी जनरल सोसाइटी बनती है 1698 ईस्वी में, और 1698 में ही इंग्लिश ईस्ट, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू द ईस्ट बनती है, ठीक है ना। तो ये कई कंपनियां थी, इनको क्या किया गया, 1708 ईस्वी में इन सब का विलय करके एक नया नाम रख दिया गया, द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग टू द ईस्ट, ठीक है ना। अब इनका 1708 में नाम बदल दिया गया, क्या रख दिया गया, द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग टू द ईस्ट। लेकिन 1833 में जाके देखते हैं हम, 1833 ईस्वी में एक एक्ट आता है, अधिनियम आता है, तो उसमें इस कंपनी का नाम बदल के, सॉरी, नाम बदल के उस अधिनियम के माध्यम से शॉर्ट कर दिया गया, संक्षिप्त कर दिया गया, और रख दिया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तब से इसको यही बुलाया जाता है। तो अब नाम के लेके कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, मैंने पूरा एक्सप्लेन, पूरी व्याख्या इसमें कर दी है। आगे बात करते हैं बेरी निगदे। अब देखिए इसमें ऑप्शन में पहले का सी किस में दिया है, देखिए इसमें बी ऑप्शन सही है आपका, एक सही निकल आया। और देखिए दूसरे बेरी निगदे कोस्ट इंडिगो, ये किसकी थी, तो डच कंपनी थी, इसका नाम था बेरी निगदे। एस्तादो द इंडिया किसकी, किस देश की कंपनी है, तो पुर्तगाल की। और कंपनी द इंडे ओरिएंटलिस ये किसकी है, फ्रांसीसी कंपनी है ये, तो याद रखिएगा बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। आगे बात करते हैं 1632 ईस्वी का सुनहरा फरमान किस कंपनी के लिए जारी किया गया था, इम्पोर्टेंट है। तो ये बता दें कि अंग्रेज़ कंपनी के लिए ही जारी किया गया था। थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में कि ये क्या था। तो इसमें हुआ क्या था कि 1632 ईस्वी का जो ये सुनहरा फरमान था, ये गोलकुंडा के राजा थे, उन्होंने ये दिया था। इसके तहत क्या हुआ कि कंपनी को 500 पगोड़ा, उस समय ये रुपए की इकाई होती थी, तो 500 पगोड़ा वार्षिक ब्याज, वार्षिक कर देकर अंग्रेज़ गोलकुंडा राज्य के जितने बंदरगाह थे उनसे व्यापार कर सकते थे। तो यही था इनका 1632 का शाही फरमान। तो याद रखिएगा, एक फरमान और जारी होता है 1717 में, और उसके बारे में भी देखेंगे। 1717 का जो फरमान था वो फरुक्सियर द्वारा जारी किया गया था, किसके लिए, ये अंग्रेज़ों के लिए जारी किया गया था। इसमें क्या था कि 3000 रुपये वार्षिक शुल्क देकर वो कंपनी बंगाल में मुक्त व्यापार कर सकती है, ये फरुक्सियर के द्वारा दिया गया था, जिसे मैग्ना कार्टा बोला गया था। आगे क्वेश्चन में भी देखेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे है इसमें 1651 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार शाह शुजा
शाह सूजा द्वारा किसे मुक्त व्यापार की अनुमति दी गई? तो ये ऑप्शन देख लिया आपने, कौन सा होगा सोच लिया होगा। अब चलिए करेक्ट आंसर देखते हैं इसका, सी, अंग्रेज़ों को ही दिया था ये अधिकार, ठीक है ना। आगे इसके बारे में और बात करते हैं। इसमें क्या था कि जो बंगाल का सूबेदार था उस समय शाह सूजा, उसने 3,000 रुपये वार्षिक शुल्क के बदले अंग्रेज़ों को पहली बार बंगाल बिहार उड़ीसा से मुक्त व्यापार की अनुमति दी। इसी को आगे चलकर फर्रुखसियन ने 1717 में इसी को शुल्क को बनाए रखा और मुक्त व्यापार की अनुमति मुगल शासक फर्रुखसियन ने दे दी, जिसे अभी बात की थी, जिसे मैग्ना कार्टा बोला गया था, उसके बारे में भी देखेंगे हम, ठीक है ना। तो चलिए आगे बात करते हैं। ये सुमेलित करना है इसमें आपको, कैप्टन हॉकिंस और टॉमस रो किसके, इसके ऑप्शन नहीं दे पाए तो इसमें ऐसे ही देख लीजिए। तो ये कैप्टन हॉकिंस और टॉमस रो ये जहांगीर के शासन में आए थे, ठीक है ना। और जॉन शर्मन जो थे ये फर्रुखसियन के शासनकाल में आए थे। ये इनके बारे में बता दें कि फर्रुखसियन ने जो 1717 का जो फरमान जारी किया था मुक्त व्यापार की नीति का बंगाल में, तो वो जॉन शर्मन की जो नेतृत्व में ही वो अभियान फर्रुखसियन से मिला था, याद रखिएगा। और सर जॉन चाइल्ड औरंगजेब के समय आए थे, इनके बारे में बता दें कि औरंगजेब के समय आए थे। क्यों, क्या ऐसा मुद्दा बना था कि 1686 ईस्वी में क्या हुआ था कि औरंगजेब ने अंग्रेज़ों द्वारा समय समय पर मनमानी की जा रही थी, लूट की वारदातें हो रही थी, तो उसी के मद्देनजर क्या किया औरंगजेब ने, अंग्रेज़ों को हराकर उन्हें हुगली से खदेड़ दिया, उन्हें निकाल दिया। तो इसी के चलते सर जॉन चाइल्ड के नेतृत्व में औरंगजेब से मिलने के लिए एक मिशन आया, जिसके नेतृत्व किया था सर जॉन चाइल्ड ने, और इस माफ़ी वगैरह मांगने के बाद इन्हें हुगली में व्यापार करने की अनुमति दी गई। तो ये वही है, आगे बात करेंगे इसमें, जानेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। कलकत्ता प्रेसिडेंसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी की स्थापना कैसे हुई, क्या हुआ। तो 1698 ईस्वी में पहली फैक्ट्री की स्थापना हुई थी कलकत्ता में। हुआ कैसे कि उस समय 1698 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार थे अजीमुद्दीन, जो बहादुर शाह प्रथम या मुअज्जम का पुत्र था। इसके द्वारा अंग्रेज़ों को क्या किया कि सुतानती और कालीकता और गोविंदपुर नामक तीन गांव की जमींदारी इनको दी गई, जिसके बदले इन्हें 1200 रुपये वार्षिक शुल्क देना था। इन्हीं तीन गांव की जगह इन्होंने क्या किया कि कलकत्ता की स्थापना की। जो कलकत्ता की स्थापना की थी वो जॉब चारनाक के द्वारा की गई थी, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा कलकत्ता की स्थापना किसने की थी, तो जॉब चारनाक ने 1698 ईस्वी में की थी। अब इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो चार्ल्स आयर थे कलकत्ता प्रेसिडेंसी के, तो याद रखिएगा अंतर है जॉब चारनाक कौन थे और चार्ल्स आयर कौन थे, अभी आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। एक चीज़ और जान लीजिए कि बम्बई में कब स्थापना हुई इनकी फैक्ट्री की, तो बम्बई में 1668 ईस्वी में स्थापना होती है। कैसे, क्या हुआ मैटर, तो मुद्दा ये था कि 1668 ईस्वी में इंग्लैंड के उस समय स्टुअर्ट वंश राज करता था, उसके शासक थे चार्ल्स द्वितीय, जिसकी शादी हो जाती है पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन मेयो से, और उन्हें बम्बई मिल जाता है दहेज के रूप में अंग्रेज़ों को, और अंग्रेज़ों ने क्या किया, उसे किसे दे दिया, कंपनी को 10 पौंड वार्षिक शुल्क के बदले में कंपनी को ये बम्बई दे दिया गया, और फिर बम्बई का विकास इन्हीं के द्वारा किया गया, फैक्ट्री वगैरह लगाई गई इसी जगह। तो ये याद रखिएगा, इसमें ये महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। 1717 ईस्वी का शाही फरमान, जिसे मैग्ना कार्टा बोला जाता है, फर्रुखसियन ने किसके लिए जारी किया था, तो बता दिया, ये तो क्लियर हो गया कि अंग्रेज़ों के लिए जारी किया था, सर जॉन शर्मन की अध्यक्षता में क्या हुआ था, एक मिशन आया था और मिले थे ये लोग फर्रुखसियन से, और फर्रुखसियन ने बंगाल में इन्हें 3,000 रुपये वार्षिक शुल्क देकर व्यापार करने की, मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी थी, ठीक है ना। तो कई बार बताया जा चुका है ये तो। चलिए आगे देखते हैं। इस समय तक जैसे एक चीज़ और क्लियर कर दूं, जो कोलकाता बसाया गया था तो 1911 ईस्वी तक कलकत्ता ही अंग्रेज़ों की राजधानी बनी रही, भारत की भी बनी रही, और अंग्रेज़ शासन करते ही थे।
1911 में जाके ये राजधानी परिवर्तित होके कहाँ आती है, दिल्ली में। तो याद रखिएगा, ये भी फैक्ट अलग से है। तो चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है इसमें। 1686 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा किसे हुगली से खदेड़ा था? तो ये आपको बता ही दिया, अब बताया नहीं है तो जान लीजिए कि 1686 में अंग्रेज़ों को इन्होंने खदेड़ा था। अभी व्याख्या की थी इसकी, तो क्यों ये लूट की वारदातें वगैरह इत्यादि हो रही थी, जिसे सॉल्व करने के जॉन चाइल्ड का के नेतृत्व में एक अंग्रेजी दल आया था और औरंगजेब से मिला था, तब जाके डिस्प्यूट सेटलमेंट हुआ था, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, ये दूसरा टेस्ट कंप्लीट। जिन्होंने पहला नहीं देखा है वो पहला देख लें, और इसे अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए, जिससे कि औरों को भी फायदा हो, और जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ जाएं इससे, टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाएं, ठीक है ना। अगर PDF चाहिए तो बता दीजिए इसका, वैसे तो व्याख्या इतना कर दिया गया है। तो चलिए, थैंक यू, आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।